तब रात के समय दुष्ट आत्मा जब अटैक करता था, क्या करता था, कितना कितना टाइम उसका असर रहता था। तो पापा जी, हाँ, 4 बजे तक, कितने बजे तक? 4 बजे तक, 12 बजे तो लग गए, 12:15 से लेकर सुबह के 4 बजे तक, मतलब पूरी रात अब सो नहीं पाते थे। जब अपनी अब डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने क्या कहा है, इसको क्या है? सिर दे सेल भी कटे, खून भी काट ही, और फंक्शन भी, और हाँ, गैठ गया भी, गैठिया भी है। हाँ जी। और गैठिया के कारण क्या हो गया था इसके? पापा जी ठीक नहीं, तब जब गैठिया था इसके हाथ पांव में दर्द रहती थी, सोच पड़ जाती थी। अच्छा, उसके लिए मेडिसिन दी? मेडिसिन देती पर मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम ज्योति है, और जो इनके साथ इनके मदर हैं, और इनकी जो बेटी है ज्योति, और इनकी गवाही जे, और ये सिस्टर बटाला रोड पंगाली गांव के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि 1 महीना हो गया था इस सिस्टर के पूरे शरीर में पहले बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, और जे बता रही कि जे रोज़ मेडिसिन खा रहे थे पर फिर भी इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रही कि जिस डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे और डॉक्टर ने इनको बोला कि आप टेस्ट करवाएं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खा ली थी, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रही कि बहुत ज़्यादा दर्द जो थी इनकी बहुत ज़्यादा इनकी बर्दाश्त से भी बाहर थी, क्योंकि इनकी जो दर्द थी अभी जब बता रहे कि पहले तो पूरी बॉडी में थी, पर बाद में जब बता रहे कि जो दर्द थी इनकी राइट साइड बाजू और टांग में ज़्यादा ही होती थी, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट करवाएं। जब इन्होंने टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको गैंठिया की प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपकी राइट साइड बाजू और टांग में दर्द रहती है, और जो काफ़ी परेशान थे, जो बता रहे कि जो चलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इनके जो बच्चे हैं बहुत छोटे थे, जो अपने बच्चों को भी संभाल नहीं सकते थे, और जो काफ़ी परेशान हो चुके थे, मेडिसिन का भी इन्हें कोई भी असर नहीं था, इतनी ज़्यादा दर्द थी, और जो बता रहे कि जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने इनके मायके में कॉल की कि आप कुछ दिनों के लिए आप इनको ले जाएं, क्योंकि जहाँ पर बच्चों के कारण जो काफ़ी परेशान रहते, इस प्रॉब्लम के कारण जो बच्चों को संभाल नहीं सकते, तो जो बता रहे कि जैसे फिर इनकी मदर कुछ दिनों के लिए अपने पास लेकर आ गए, और जो बता रहे कि जैसे जब जी अपने मायके आए, तो जो बता रहे जिस दिन अभी मायके आए थे उसी रात ही जो बता ले कि दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हो गया, और जो बता रहे कि 4 दिन तक दुष्ट आत्मा इस पर, रात के समय 12:15 जब बता रहे कि 12:15 जब भी रात के होते थे उस समय दुष्ट आत्मा इन पर हैवी हो जाता था, प्रकट हो जाता था, तो इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो पहले हम उस समय के वीडियो को क्लिप को देखते हैं, जब रात के समय दुष्ट आत्मा इनकी हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता था। यार बनते डिक्की जब रात के समय दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट होता था तो इनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आती थी, इनसे सांस भी नहीं ले पाते थे, और जो बता रहे कि पूरी रात तक जो बता रहे कि जो ऐसे ही
इनकी कंडीशन रहती थी बहुत ज़्यादा, इनका बुरा हाल हो जाता था और इसके कारण इनका पूरा मायके की जो फैमिली थी वो भी परेशान हो जाती थी क्योंकि पूरी रात ये सो नहीं सकते थे इसके कारण। और ये बता रही कि जैसे जब ये प्रेयर टावर में कॉल करते जो प्रार्थना कराते तो कुछ समय तक ये सही हो जाती, पर टीम इन्हें लगातार उत्साहित कर रही थी क्योंकि इस प्रॉब्लम को देखने के कारण इनकी फैमिली का विश्वास नहीं बन पा रहा था। तो जैसे टीम ने इनको उत्साहित किया कि आप लगातार मीटिंग को सुन सकते हो, प्रार्थना में बने रहे, और जैसे फिर इनको संडे की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड की 26 मई, तो जब बता रही है कि टीम ने इनको बोला कि आपने प्रार्थना घर कर आनी, परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर आज ही, जो कि रात के समय गुप्त में जो इनके जीवन में दुष्ट आत्मा प्रकट होता, क्योंकि जब जिस संडे की मीटिंग को अटेंड करते थे तो चर्च में आकर उस समय दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं होता था, पर रात के समय जब ये घर जाते तो रात के समय वो प्रकट हो जाता, तो बहुत ज़्यादा इनका बुरा हाल होता था। तो टीम ने इनको उत्साहित किया कि अपने घर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर जो भी जो प्रॉब्लम है हम आज मीटिंग में जब जाएंगे तो निश्चय परमेश्वर आज आपकी सामर्थ आज ही मेरी बेटी को छुएगी और जितना भी नेगेटिविटी का दुष्ट आत्मा का प्रभाव है आज पूरी तरह से आज़ाद होगी और आज ही परमेश्वर आज इस संगति में भी प्रकट हो जाएगी। तो जैसे इन्होंने घर से प्रार्थना की, अंगीकार की और विश्वास से जे 26 मई की मीटिंग में आए और जब इनके लिए ले एंड प्रेयर हुई थी और जब बता रही कि उससे समय इस पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। छट 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 बोल क्या नाम है तेरा शिदा? बोल क्या नाम है तेरा? ओ शिदा बोल क्या नाम है तेरा? ज्योति है इसका नाम? हाँ जी। किनकी भी बहू रानी है ये? हाँ ये फ्री हो चुकी है, शक नहीं करना, खुदा ने इसे छू लिया है। बोलो खुदा ने इसकी गवाही को बना दिया जी, आज से फ्री है, फ्री है अंदर। तो जैसे कि हमने वीडियो क्लिप में देखा कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा इस पर प्रेयर हुई तो जितना भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव था परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको आजाद कर दिया। तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया भी अपने मन में अभी संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, और इनको फिर पर्सनल मंडे की मीटिंग में बुलाया गया कि अपने मीटिंग को अटेंड करना है। और जैसे फिर जो बता रहे जब इन्होंने मंडे की मीटिंग को अटेंड किया फिर और भी इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए और जो इनके पर ले एंड प्रार्थना हुई तो इनका परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि आप अपने अच्छा विश्वास करना है कि परमेश्वर ने पूरी तरह आपकी बेटी को फ्री कर दिया है, अपने खुशी से जाना है और धन्यवाद करना है और अपने वेडनेसडे की मीटिंग को एक अटेंड करना है। तो निश्चय परमेश्वर अभी बिल्कुल इसको फ्री कर दिया है। तो ये बता रहे कि फिर इन्होंने मंडे की मीटिंग, फिर इन्होंने बुधवार की मीटिंग को भी अटेंड किया और जैसे जो बता रहे हैं कि मीटिंग को अटेंड करने के बाद जो बता रहे कि उसी पूरे हफ्ते में ही परमेश्वर ने इसको फ्री कर दिया था, जो कि रोज ही रात के समय दुष्ट आत्मा इस पर हैवी हो जाता था, प्रकट होता था। तो जो बता रहे जैसे ही संडे की मीटिंग में प्रार्थना हुई थी उस दिन से पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रभाव से इस सिस्टर को आजाद कर दिया था और जो भी नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण इनकी बॉडी में जो बीमारी आई थी गांठिए की, उसके कारण इनकी पूरे शरीर में दर्द रहती थी, इनकी राइट साइड बाजू में टांग में दर्द रहती थी, जो बता रहे कि अभी परमेश्वर ने उस दर्द से भी इनको पूरी तरह फ्री कर दिया। इस प्रॉब्लम के कारण जो उन दिनों में कुछ भी खा पी नहीं रहे थे और जो बता रहे कि अब बिल्कुल सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। तो सच में आज ये सिस्टर बहुत खुश है, अपने बच्चों के साथ है, अपना काम काज कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। तो सुनो सारे सुनो, जब इंसान बंदा फ्री हो जाता है ना तब तो उसके चेहरे पे खुशी होती है। पूछो इनको जब ये मुसीबत जब हालात इनके ऊपर था तो ये उस समय इनके मन के विचार ये क्या क्या सोचते, थोड़ा माइक दो इन्हें सुन, हाँ इनको ही दे दो, कोई बात नहीं। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। थोड़ा बताओ जब ये हालात था तो क्या क्या मन में आपके विचार आते थे? बहुत पापा जी आते, ये बच्चे बहुत छोटे ही, हाँ इन्हों का बहुत आंदा है भी कौन सांभेगा इन्हों, हाँ मावा तो बगैर बच्चा कोई नहीं,
पापा जी सांभ सकदा। हाँ बिल्कुल, देखो है ना, समझ आ रही है। तो जब अपनी अब डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, इसको क्या है? सिर दे सेल भी कटे, खून भी कट ही, फंक्शन भी, और गैठिया भी, गैठिया भी है। हाँ जी। और गैठिया के कारण क्या हो गया था इसके? पापा जी ठीक नहीं, तब जब गैठिया था इसके हाथ पांव मतलब दर्द रहती थी, बहुत सोच दे गिटे भी, हाथ भी सोच पड़ जाती थी। हाँ, सोच पड़ जाती। अच्छा, उसके लिए मेडिसिन दी? हाँ, देने ना। मेडिसिन देती पर मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। सुनो, क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि जो बीमारी जो कुछ भी इसके साथ हुआ वो एक दुष्ट आत्मा था अंदर इसके। क्या था बोलो? वो दुष्ट आत्मा था इसके अंदर, जिसने इसे बीमार किया, जिसने इसके सेल जो भी प्रॉब्लम दी, गैंठिया दिया, समझ आ रही है? उसके कारण वो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी। बोलो क्या नहीं कर रही थी? मेडिसिन भी। फिर आप इसे अपने पास लेकर आ गए। तब रात के समय दुष्ट आत्मा जब अटैक करता था, क्या करता था, कितना कितना टाइम उसका असर रहता है, थोड़ा बताओ। पापा जी हाँ, 4 बजे तक। कितने बजे तक? 4 बजे तक, 12 बजे तो लग गए। 12:15 से लेकर सुबह के 4 बजे तक, मतलब पूरी रात अब सो नहीं पाते थे। देख लो कितना परेशान थे। बोले क्या थे? 12:15 उस दुष्ट आत्मा के इसके ऊपर जब अटैक्स आते थे तो सुबह के 4 बज जाते थे, पूरी रात सो नहीं पाते थे। ये भी और ये भी साथ सारे, देख लो उस समय ये कितना परेशान थे। बोलो क्या थे? बोलो कितना परेशान थे। उस समय कुछ भी समझ नहीं आई। मुझे याद है जब जे आए तो मैंने ये मीटिंग में आए और मैंने इन्हें टीच किया था कि अब डरना नहीं है, अगर दोबारा आए दुष्ट आत्मा तो तुमने बोलना है, डरना नहीं उससे। पर जब वो दुष्ट आत्मा अटैक करती थी ये फिर डर जाते थे। क्या जाते थे? ये डर जाते थे, डर। और डर की वजह के कारण वो दुष्ट आत्मा जा नहीं रही थी। पर फिर इन्हें और टीच किया, इन्हें और उत्साहित किया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जब जहाँ पे आते थे तो यहाँ पे प्रकट नहीं होती, पर वो जब घर जाते तो घर रात के समय वो अटैक करता था। पर जब इन्हें टीच किया, उत्साहित किया, फिर से संडे की मीटिंग में आई। कौन सी मीटिंग में आई? कितनी तारीख की? 26 मई। 26 मई को आई। और उस दिन ले हैंड हुआ, उस दिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ। उस दिन के बाद तो नहीं ना दोबारा कभी हुआ? आज बिल्कुल ठीक है। हाँ, उस दिन के बाद कभी नहीं हुआ? कभी अब नहीं। कोई ना, वो जो बाजू में दर्द थी, टांग में दर्द थी, अब कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई कमी नहीं, कोई खून की कमी नहीं, सेल की नहीं। उस दिन से परमेश्वर ने क्या कर दिया, ये देख लो, ये प्रूफ है आपके सामने, है ना। देखो ये कितना परेशान थे, पूरी रात सो नहीं पा रहे थे। बोलो क्या नहीं पा रहे थे? पूरी रात सो नहीं पा रहे थे। और ये कितनी तकलीफ में थी ये बहन बेचारी, और कुछ समझ नहीं आ रही थी इन्हें कि क्या होगा, कैसे होगा सारा कुछ सही। और आज आपके सामने है और परमेश्वर ने बिल्कुल इसे फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया है। ठीक है, अब बने रहना है, ऐसा नहीं है ठीक हो गए तो अब ठीक है। अब परमेश्वर ने चंगा तुम्हें इसलिए किया ताकि और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, ठीक है, और सीखना है। जो तेरे जैसी बहने और उस दुष्ट आत्मा की गुंजल में है ना, मतलब समझ आ रही है, जिन्हें और पकड़ा है उनको तूने बताना है। बताएगी कि नहीं बताएगी? तो बताना है उन लोगों को भी कि देखो परमेश्वर ने, उस जिंदा खुदा ने मुझे भी आजाद किया है। अपनी गवाही को बताना है सब लोगों को, ठीक है, और दूसरों को बताना जो लोग परेशान है, ठीक है। जैसे परमेश्वर ने तुझे आजाद किया, तेरे द्वारा औरों को आजाद करेगा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे फ्री किया है। अब और परमेश्वर के राज की बातों में बढ़ना, सीखना, समझना है। दुष्ट आत्मा कुछ नहीं है, जब तुम समझ आओगे फिर खुदा तेरे साथ भी काम करेगा, ठीक है। तारीफ करो जोर से, दोनों हाथों को उठाकर। इन मेरे यीशु दे कमाल, इन मेरे यीशु दे कमाल, इन मेरे यीशु दे कमाल।